चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। आज मैं आज गोरखपुर में मैं हूँ और आप सभी को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव जारी है और पूरे उत्तर प्रदेश में मजबूती से विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी पार्टी चुनाव हम लोग लड़ रहे हैं। 102 कैंडिडेट को हमने उतारा है, लेकिन सरकार के तरफ से और कुछ पदाधिकारी के मिली भगत से बहुत ऐसे प्रत्याशी का पर्चा खारिज कर दिया गया। उसके बावजूद भी हम यहाँ पे 55-60 से सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं और बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं और पूरा उत्तर प्रदेश के निषाद समाज के सभी वर्ग के लोग, अन्य समाज के भी सभी वर्ग के लोग और पार्टी के सभी साथी मजबूती से एक एक सीट पर मजबूती से लगे हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि उत्तर प्रदेश के जनता वीआईपी पार्टी को स्वीकारेंगे और आशीर्वाद अपना देंगे और 10 तारीख को इसका रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेगा कि उत्तर प्रदेश में हमने कितना सीट जीता है। अब मजबूती से हम लोग काम करेंगे और बिहार में भी हमने संघर्ष किया, बहुत मेहनत किया, उसके दम पर हम लोगों ने सरकार में आज हिस्सा हैं, दारी हैं और बिहार में एनडीए के पार्ट है और मजबूती से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमारी बिहार में सरकार चल रही है और खास करके निषाद मछुआरा गरीब समाज के लिए हम लोग हर योजना ला रहे हैं जिसमें उनका हित हो और ऐसे हम लोग काम करें। उत्तर प्रदेश में उनके अगर देखें तो उस जगह पे कुछ भी नहीं किया जा रहा है, खास करके परंपरागत मछुआरा समुदाय के लिए, खास करके हमारे बिहार में गंगा जी में मछली फिशिंग करना फ्री है मछुआरों के लिए, उसके सरकार की तरफ से कार्ड बनाया जाता है और उसको फ्री फिशिंग है। बड़े बड़े जैसे तालाब है, घाट है, यहाँ पे फ्री फिशिंग है, उस एरिया के जितने भी मछुआरा है फिर फ्री में मछली मार सकते हैं। जैसे हमारे बेगूसराय में बड़ा झील है, वहाँ पे पूरा फ्री में मछली मार सकते हैं, लेकिन आपके बगल में गोरखपुर में हम देख रहे हैं सरकार यहाँ पे डाक के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा 22 करोड़ रुपया 5 साल के लिए लिया जा रहा है, जबकि वो 22 करोड़ रुपया 5 साल में वहाँ से निकल भी नहीं सकता। तो इस तरीके से पॉलिसी बनाया गया कि गरीब आदमी को और भी खून किस तरीके से चूसा जाए सरकार के द्वारा, ये नीति के साथ यहाँ पे हो रहा है। हम हमारे बिहार में हम 90% तक अनुदान मछुआरा समुदाय को दे रहे हैं। अब मजबूती से हम बिहार में सरकार में हैं और सब समाज के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में निषाद समाज के साथ उपेक्षा हो रहा है और मजबूती से उत्तर प्रदेश में निषाद समाज का लड़ाई एक ही है कि निषाद को आरक्षण दिलाना, और इसी को लेकर उत्तर प्रदेश में एक बड़ा आंदोलन चला जिसमें हमारे अखिलेश निषाद जी शहीद भी हुए और उसके दम पर उत्तर प्रदेश में कुछ लोग नेतृत्व कर रहे थे, डॉक्टर संजय निषाद जी वो नेता बने और आज देखिए कि वो कहीं ना कहीं अपने एजेंडा को भूल गए और कहीं ना कहीं वो आज समाज को छोड़कर आज कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ में काम कर रहे हैं। फिलहाल उनके बारे में ज़्यादा विशेष हम नहीं बात करेंगे। मजबूती से हम लोग उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं और निषाद समाज के हक अधिकार की लड़ाई, जैसे हम बिहार में आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं उसी तरह से उत्तर प्रदेश में भी लड़ाई लड़ रहे हैं, झारखंड में भी हम लड़ाई लड़ रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश और झारखंड और बिहार के निषाद एक पैर पर खड़ा होंगे और 24 से पहले आरक्षण लेंगे। अभी हम पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं, हर एक सीट पर जा रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं और वहां पे एक ही नारा है, आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, कि नारा को हम लोग रिपीट कर रहे हैं और वहां पे हम अपने प्रत्याशियों को जिताने का आह्वान कर रहे हैं। जहां हम लोग नहीं लड़ रहे हैं वहाँ पे समाज के लोगों को, पार्टी के लोगों को एक ही संदेश देना है कि आपका जो नारा था आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, वो नारा के साथ आप उत्तर प्रदेश में काम करें ताकि ये सरकार 2022 में सरकार से बाहर निकलेंगे तब 2024 में ये सोचेंगे कि ये निषाद समाज हमसे कट चुका है और आपके लिए बेहतर सोचेंगे और 2024 से पहले आरक्षण करेंगे। तो हमारा एक ही उद्देश्य है पूरे प्रदेश में कि खास करके बीजेपी को हराने का काम करें और जो वहाँ पे जीत सकता है, जहाँ हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं चाहे सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, वहाँ पे जो मजबूत प्रत्याशी होगा उनको समाज लोग सोचे और उनको वोट करे, बीजेपी को वोट ना करे, ये हम आह्वान के साथ पूरे प्रदेश में काम करें। अब मजबूती से समाज साथ भी है और इसका परिणाम जो है पूर्वांचल में देखने के लिए मिलेगा, 10 तारीख को रिजल्ट जब आएगा। बिहार के बाद यूपी में आज आप लोगों ने ताल ठोका, क्या रिएक्शन देखने को मिला गोरखपुर की जनता खास करके? नहीं, गोरखपुर की जनता, पूरे प्रदेश की जनता मजबूती से वीआईपी पार्टी के साथ है और समाज में कुछ लोग पार्टी नहीं चला रहे हैं, दुकान चला रहे हैं। आप मैंने कल ही एक डॉक्टर संजय निषाद जी का हमने एक स्टेटमेंट दिखाया कि अखिलेश निषाद के ऊपर गोली चलाई मतलब समाजवादी पार्टी ने और गले लगाया मोदी जी ने, तो मैं उनसे एक ही चीज़ पूछना चाहूँगा, जब उन्होंने गोली चलाया तो फिर 2018 में आप उनके साथ गठबंधन क्यों किए और आपने एक सीट पर समझौता करके एगो टिकट पे आप उनके साथ चले जाते हैं, बेटा को सांसद बना लेते हैं, फिर आप 2019 में फिर एक टिकट पे बीजेपी से समझौता कर लेते हैं और समाज का एजेंडा छोड़ देते हैं, फिर आप 2021 में
एक टिकट एक MLC में बीजेपी को गोद में बैठ जाते हैं, और फिर अभी आपने बीजेपी के साथ आप गठबंधन किया, आरक्षण का मुद्दा, सामाजिक न्याय का मुद्दा, सब कुछ गौन करके, और आपने उनके साथ आए और आपके पार्टी में खून पसीना बहाए, शहीद हुए, उस परिवार को आपने क्या दिया? आज आपके पास 10 को टिकट मिला तो उसमें भी आपने क्या किया? आप अदर समाज को आपने टिकट दे दिया, अपने समाज को, पार्टी के कार्यकर्ता को एक भी नहीं दिया, तो कहीं ना कहीं फिर आत्माराम निषाद जी का क्या होगा, समाज के हर एक नौजवान का क्या होगा जो आपके लिए खून पसीना बहाया? आप बताइए कि बिहार या उत्तर प्रदेश या देश नहीं, पूरे दुनिया में पहली ऐसी पार्टी होगा कि अपना पार्टी रहते हुए अपना बेटा को बीजेपी से चुनाव लड़ा रहे। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को समझने की आवश्यकता है, वो पार्टी नहीं दुकान चला रहे, किस तरीके से अदर समाज के लोगों को टिकट पैसे पे और दे रहे हैं, और किस तरीके से राजनीति कर रहे हैं, ये आप सबसे छुपा हुआ नहीं है। अब पूरे प्रदेश के एक एक निषाद को ये चीज़ जानकारी है किस तरीके से पैसे का उगाही करके और समाज को गुमराह किए। तो मुझे लगता है कि चाहे वो डॉक्टर संजय निषाद हो या मुकेश सहनी हो, समाज हमारे साथ था तो आज मैं लीडर हूँ, कल समाज नहीं रहेगा तो कल मैं जीरो रहूँगा। तो ये हर एक नेता को सोचना चाहिए, उस विषय पर काम करना चाहिए। फिलहाल वो उन्होंने निषाद समाज के साथ धोखा किया, और इसका अंजाम आने वाले 10 तारीख को आप उत्तर प्रदेश के निषाद भाई जरूर देंगे। नहीं देखिए पार्टी, हर पार्टी स्वतंत्र है पूरे प्रदेश में चुनाव लड़ने के लिए, देश में चुनाव लड़ने के लिए। हमारी पार्टी आरक्षण के मुद्दा पे हम जिस रोज पार्टी लॉन्च किए 2 जुलाई को, उसी रोज हमारा नारा स्पष्ट था, आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, या गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, ये नारा के साथ आज भी है। हमारे आरक्षण नहीं हुआ और हम स्वतंत्र उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा रहे हैं, और एक बार जिस तरीके से किसान भाई ने अपनी ताकत दिखाया तो किसी कानून बिल वापस लिया गया, केंद्र सरकार ने लिया, उसी तरीके से हम लोग भी यहाँ ताकत दिखाएंगे, 2022 में हराएंगे तो 24 से पहले माननीय प्रधानमंत्री जी हम लोगों का आरक्षण करेंगे, तो उनके साथ रहेंगे। और रहा कि बिहार में नीतीश कुमार जी के साथ हम हैं, नीतीश कुमार जी की सरकार है, वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी भी सहयोग करके रखे हैं, और VIP पार्टी भी सहयोग देके सरकार चला रहे। पार्टी सबका स्वतंत्र है, उत्तर प्रदेश में JDU भी तो अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, VIP पार्टी भी अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, हम अपनी जमीन बना रहे हैं, अपने लोगों को बीच ला रहे हैं। आप देखिए कि बहुत सारे ऐसे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो VIP का दामन थाम लिए हैं और मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं, बलिया में एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतेगी। उसी तरीके से पूरे प्रदेश में जहां हम लड़ रहे हैं मजबूती से, आप वहां पे आपको 10 तारीख को जानकारी मिल जाएगा कि कितना वोट हमारे पास आएगा और हम कितना मजबूत होंगे उत्तर प्रदेश में, और 2024 का फिर प्लानिंग किया जाएगा। तो मजबूती से हमारी पार्टी उत्तर प्रदेश में है, और उत्तर प्रदेश के जनता का, हर जाति वर्ग के लोगों का भरपूर सहयोग मिल रहा है। वही सीट जहां संजय निषाद के बेटे भी लड़ रहे हैं। जी हाँ, हम पूरे प्रदेश में जहां निषाद समाज लड़ रहे हैं चुनाव, चाहे सपा हो या बसपा हो या कांग्रेस हो, वहां पे हमने एक भी प्रत्याशी हमने नहीं उतारा। यहां पे भी आपको पता होगा कि चौरी चौरा में हमारे प्रत्याशी का नाम पहले से घोषणा हो चुका था, और जो जिनके नाम आप ले रहे हैं वो पहले दूसरे सीट पे चुनाव लड़ रहे थे, लास्ट आवर में उनको वहाँ पे जाना पड़ा। तो भला हम अपने प्रत्याशी को पहले लॉन्च किए, उन्होंने बाद में गया, तो हम अपने प्रत्याशी को कैसे पीछे कर सकते हैं? वो प्रतिशोध कर रहे हैं, हम ये नहीं कह सकते हैं। हम पूरे प्रदेश में 2 जगह सीट पे टकरा रहे हैं, जहाँ पे निषाद समाज भी लड़ रहा है और हमारी पार्टी भी लड़ रहा है। उसके अलावा पूरे प्रदेश में 19 जगह हम ऐसे समाज के लोग जो चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे कांग्रेस हो या बसपा हो या सपा हो या बीजेपी हो, उनको हम लोग वहाँ पे कैंडिडेट नहीं उतारे। वहाँ हम समाज से आह्वान करते कि उनको मदद करके उनको जिताए, क्योंकि हमारी राजनीति जो है समाज को आगे बढ़ाना, उनको हक अधिकार दिलाना, और मैं नहीं चाहूँगा कि किसी निषाद को बेटा को मेरे वजह से उनको हारना पड़े। तो इसलिए हमने पूरे प्रदेश में 19 ऐसे सीट है जहाँ पे हम चुनाव नहीं लड़ा रहे। 2 सीट ऐसा है कि जहां हम पहले से कैंडिडेट निर्णय कर लिए थे, वहां पे मैदान में उतार दिए थे, वहां पे बाद में अंतिम समय में उनका प्रत्याशी आए और वहां पे आमने सामने की लड़ाई हो रहा। बाकी हम तो समाज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आज तो मैं उत्तर प्रदेश क्यों आया हूं? सिर्फ समाज के हक अधिकार लड़ाई लड़ने के लिए। ना मुझे यहाँ विधायक बनना है, ना ही मंत्री बनना है, ये सब मुझे बिहार में ही बनना है। तो भाई मैं तो सिर्फ यहाँ पे समाज के हक अधिकार की लड़ाई है, उसी को अंजाम देने के लिए आए। और आप भी समझ सकते हैं कि NDA में रहकर और उत्तर प्रदेश में आप एक विरोध में राजनीति करना, तो ये कितना बड़ा टफ है। लेकिन उसके बावजूद भी हम स्वीकार हैं कि हमें लड़ाई लड़ना है तो लड़ाई लड़ना है। आज हमारे कुछ साथी डरा रहे हैं, धमका रहे हैं कि 10 तारीख के बाद हम बताएंगे, तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है। 10 तारीख के बाद क्या हो सकता है? ज़्यादा ज़्यादा सरकार से बाहर निकल जाएंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। ये समाज ने हमें इस मुकाम तक पहुँचाया है, 4 विधायक दिलाया, कल यही समाज निषाद समाज जो हमारे साथ होंगे कल 40 पहुंचाएंगे, और एक समय आएगा कि 125 पे अपने खुद के दम पर सरकार बनाएंगे। तो हमारा एक लड़ाई है कि निषाद को आरक्षण दिलाने के लिए। मैं मुंबई छोड़कर बिहार इसलिए नहीं आया कि मुझे विधायक का मंत्री बनना है, मैं समाज के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए हूँ। उसके लिए मुझे अभी भी अगर कुर्सी छोड़ना पड़े तो मैं टेलीफोन पर कन्फर्मेशन दे दूंगा कि हम छोड़ने के लिए तैयार है। तो मैं मजबूती से अपने समाज के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। सीट निकल दिया तो किसको समर्थन देंगे?
सीट निकलने के बाद सोचा जाएगा, विधायक दल का बैठक होगा, विधायक दल के नेता जो होंगे वो निर्णय लेंगे कि किनके साथ सरकार बनाना है। सामान्य विचारधारा के साथ रहेंगे, जो गरीब लोगों की बात सुनेगा उनके साथ रहेंगे, तो पार्टी में तो विधायक जो जीत के आएंगे वो निर्णय लेंगे। लेकिन डॉक्टर संजय निषाद जी का तो देखिएगा कि उनके विधायक दल का नेता भी बनने के लिए उनके घर के लोग नहीं हैं पार्टी में, वो जब चाहेंगे तब कहीं पर भी चले जाएंगे, तो उस तरीके का उन्होंने राजनीति किए हैं। और जो लोग दहेज लेके आते हैं तो उनका नखरा तो स्पेशल होता है, तो जो उनके पार्टी में जो चुनाव लड़ रहे हैं तो दहेज दिए हैं, तो वो थोड़ा डॉक्टर संजय साहब के कंट्रोल में रहने वाला है। वो तो जो चाहेंगे तब भी जैसा मर्जी होगा वैसा करेंगे। आप देख लीजिएगा 10 तारीख से लेकर 10 तारीख को रिजल्ट आएगा, उसके एक महीने के अंदर में देख लीजिए सारे के सारे विधायक भारतीय जनता पार्टी में समाहित हो जाएंगे और एक भी बात सुनने वाला नहीं रहेंगे डॉक्टर साहब को। इससे पहले भी एक विधायक जीते थे, उनके चुनाव चिन्ह पे कभी आपने सुना कि वो उनके साथ रहें? उसी तरीके से आने वाले समय में भी कोई विधायक उनके साथ नहीं रहेंगे और मजबूती से मुझे पूरा भरोसा है कि डॉक्टर साहब भी अपनी पार्टी को विलय कर लेंगे। चुनाव आते हैं, आरक्षण की बात आके क्यों कह जाती है? 5 साल आके देखिए, आप हमें अगर जानते होंगे, गूगल पे देखते होंगे, तो आप हम 365 दिन आरक्षण की बात करते हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं। निश्चित तौर पे समाज चुनाव के समय क्या होता है, जब सामने वाले को वोट चाहिए तो जनता याद आता है, तो जनता का अपना जो डिमांड होता है वो मजबूती से रखना चाहिए। तो मुझे लगता है पूरे भारत में 135 करोड़ जनता का पास हर एक मुद्दा चुनाव के समय में उठाना चाहिए। 5 साल भले में नेता भूल जाए, लेकिन चुनाव के समय आपको नेता को याद दिलाना है ताकि आपका काम होगा। तो मजबूती से हम लोग भी वही चाह रहे हैं, क्योंकि पूरा पावर तो हमारे पास है नहीं, क्योंकि हम तो मांग ही करेंगे, केंद्र सरकार से मांग करेंगे या राज्य में जिन मुख्यमंत्री जो हैं उनसे मांग करेंगे। मैं मांग करूंगा कि मुख्यमंत्री जी अभी घोषणा कर दे कि जो तालाब है वो गरीब किसान मछुआरा को फ्री में फिशिंग करे, ये घोषणा कर दे। गंगा जी जैसे फ्री है बिहार में, वैसे बिहार उत्तर प्रदेश में फ्री कर दे। तो ये सब तो हम लोग चाहेंगे कि सरकार करे, और यही समय है करने का। मैं तो डॉक्टर साहब को कहूंगा कि आप NDA के पार्ट बने, कम से कम ये 2 घोषणा तो करा लीजिए, क्योंकि मैं 2014 से भारतीय जनता पार्टी के साथ मजबूती से हूँ और टॉप नेतृत्व के साथ हमेशा रहा। बंद कमरे में आरक्षण की बात करते लेकिन सार्वजनिक तौर पर नहीं करते। अभी उनका स्टेटमेंट देखा कि मोदी जी करेंगे आरक्षण, तो मैं कहता हूँ कि खाली घोषणा करा दीजिए, आप जहां बोलिए वहां पे हम आपको समर्थन देने के लिए तैयार हैं, लेकिन सिर्फ आप घोषणा तो खाली करवा दीजिए। हमें पूरा भरोसा है कि मोदी जी या गृह मंत्री जी अगर घोषणा कर देंगे तो 2024 से पहले हम आरक्षण ले लेंगे, लेकिन आप घोषणा तक नहीं करा सकते। आप वो छोड़ दीजिए, तालाब का कर लीजिए, गंगा जी कर लीजिए, यही सब घोषणा करा दीजिए कि अब हमारी सरकार बनेगा तो उत्तर प्रदेश में निषाद समाज को फ्री कर देंगे। जैसे बिहार में हम लोग हमारे पास 32,000 तालाब है, सिर्फ मछुआरा परिवार को ही हम पट्टा बना देते हैं और सरकारी रेट पे देते हैं, वहाँ पे कोई डाक नहीं होता। अभी उत्तर प्रदेश में जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो डाक करके बोली करके वो 5,000 का संपत्ति जो है वो 1,00,000 रुपया दे के लेता है और मुझे लगता है उसके घर का नुकसान हो जाता है। तो ये सब पॉलिसी कहीं ना कहीं गरीब को खून चूसने वाला है। ये पॉलिसी को हम लोग आने वाले समय में सरकार सत्ता पावर में आएंगे तो हम ये सब पॉलिसी को बदलेंगे और गरीब का जिसमें हक हो वो हम लोग काम करेंगे। धन्यवाद। नहीं हमारा हुआ था ना, ये जानना चाहते थे कभी ना जाए।